यहाँ ना पहले धूप आई थी सुबह से, अब धूप हल्की हो गई है और नीचे साइड से ना पूरा कोहरा लगा हुआ है, उधर साइड से पूरा कोहरा लग रखा है। अभी मैं छत में आई हूँ ना तो सांसें फूल गई। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, यहाँ हम सब भी अच्छे हैं। और दिन का बज गया है 11:30, 11:30 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज ना धूप है, पर धूप में इतनी ताकत नहीं है, हल्की सी हवा भी चल रही है, हल्का कोहरा जैसा भी दिख रहा है, पता नहीं, मतलब प्योर धूप नहीं है, जैसे कल तेज़ धूप थी ना वैसी नहीं है। और डॉगी को देखो कैसे स्वेटर पहना रखी है। तो ना इस समय मैं बना रही हूँ चाय, चाय पी लेते हैं। अब धूप सेक के अंदर आ गई हूँ किचन में, अभी दिन का बज गया है 1, तो इसमें ना मैं भात और मटकी चुड़कानी बना रही हूँ। मटकी चुड़कानी मैंने रख दी है बनाने के लिए, भात भी रख दी है, दो ही चीज़ बना रही हूँ। हाँ, बाकी बर्तन भी धो रही हूँ, चाय आई के बर्तन थे तो वो धो रही हूँ। अभी थोड़ी देर में ना बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तब यहाँ ना पहले धूप आई थी सुबह से, अब धूप हल्की हो गई है और नीचे साइड से ना पूरा कोहरा लगा हुआ है, उधर साइड से पूरा कोहरा लग रखा है। अभी मैं छत में आई हूँ ना तो सांसें फूल गई। और अभी मैं बच्चों को लेने स्कूल गई थी तो वहाँ ना सौरभ जोशी मिला, मतलब दूर से मिला। और मैं फ़ोन लेके नहीं जाती ना बच्चों को लेने, क्योंकि जो मैं अपना ब्लॉग बनाती ना वो फ़ोन से ही बनाती हूँ, तो फ़ोन लेके नहीं गई थी। और सौरभ जोशी जो न्यू कार लिए ना, येलो वाली, मतलब मुझे तो पता भी नहीं सुपर कार बोलते कौन सी, तो उसमें जा रहा था तो दूर था, मतलब मैं रोड की इधर साइड थी, वो उधर साइड था, वो ऐसे जा रहा था उधर को, तो दूर से देखा सौरभ जैसे, पास से नहीं हो पाई मुलाकात, मतलब पास से होती तो वैसे भी क्या करती, फ़ोन लेके तो गई नहीं थी मैं। और मौसम हो गया बिल्कुल ख़राब सा, दिन का बज गया 1:45, मौसम बेकार हो गया, कोहरा आने लग गया नीचे साइड से, मतलब सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के साइड से कोहरा ऊपर को आ रहा है अब हमारी तरफ को। चलिए वैसे अब 2 बजने वाला है, हम लोग खाना खा लेते हैं। और पहले नीचे जाने से पहले आपको एक बार मैं ना यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ हनुमानी का। अब नीचे खाना खा लेते हैं, खाने में मैंने बनाया मटकी चुड़कानी यार, बात बच्चे आ चुके हैं तो खाना खा। बच्चे जैसे ही स्कूल में स्कूटी पर बैठे ना, वैसे सौरभ जोशी को देखा, पहले तो आई उसको मैंने कार दिखाई, मैंने कहा देख तो नई कार जैसी लग रही है, किसकी होगी, मतलब नई टाइप की, तो ये बोल रहा है अरे तो सौरभ जोशी है, मैंने कहा हाँ। कुछ तो इस समय बज गया है 4 शाम का, और इस समय ना मैं सो के उठी हूँ, सोई थोड़ी देर सोई थी क्योंकि यूवी का ट्यूशन रहता है 3:30 बजे, तो जैसे 2:30-3 बजे सोई तो 3:15 बजे उठ गई और उसे भी उठाया, फिर उसको ट्यूशन भी दिया था तैयार करके। और आप देख सकते हैं यहाँ ना सुबह तो हल्की हल्की धूप थी, बाकी अब देखिए कितना कोहरा आ गया है, यहाँ इतनी ठंड हुई ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई, हल्द्वानी का मौसम एकदम से ख़राब हो गया यार, सुबह से धूप थी अब कोहरा लग गया है। मैं आपको दिखाती हूँ ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ का मौसम। इतनी ठंड में पतंग उड़ा रहा है, चल नीचे जब पूरा कोहरा कोहरा आए से उड़ा रहा है पतंग। इस समय दिखा रही मैंने आपको शाम के 4 बजे का मौसम हल्द्वानी का, 4 या 4:30 ऐसे कुछ हो रहा होगा, तो हल्द्वानी का मौसम मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है, और आए से भी नीचे चल बोल दी, ठंड बहुत हो रही है यार, कपड़े भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया है शादी का कार्ड, अभी अभी आंटी आई थी मोहल्ले से, वो देखे गए हैं और मुंह से भी बोल के गए हैं, हल्दी और मेहंदी वगैरह सब चीज़ में आना ज़रूर, 2 तारीख से शुरू है इनके यहाँ प्रोग्राम। यहाँ पे कुत्ते को बॉल दी है और आयुष ने और यू भी कुत्ते के साथ खेल ले। अरे ऐसे धकेल ना बॉल को थोड़ा, ये एकदम उसको मुंह में भी नहीं डालने दे रहा, वो फेंक दे रहा है तो। आई उस देने दे देने अब जा, अब यू भी खेल ले, अरे हाथ ऐसे नहीं
हाथ काटेगा, हाथ फटेगा, काट देगा यू भी। नहीं नहीं छी छी छी, कैसे छीनना है यहाँ। उसके लिए तो है वो बॉल, डॉगी के लिए है वो बॉल। खेल गया यू भी। हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, इसका पैर ही काटेगा। और खेल, वो गिर गया भानु। डॉगी भी इतना चालू है ना, पहले वो बॉल दे रहे तब तक नहीं उठ रहा, जब यू भी भाग रहा है उधर को तब उठ रहा है अपना बॉल पकड़ने के लिए। नहीं नहीं यू भी नहीं, ऐसे पैर नहीं लगाते। यहाँ पर मैंने बना रखा है आटे का हलवा आयुष की डिमांड पे, अब रख देती हूँ प्लेटों में। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने, अब ना इसमें अब डालती हूँ हलवे में घी ऊपर से। ये जाएगा आयुष को, ये है यूवी के लिए, ये हलवा यूवी के लिए। लो यूवी गर्म हो रहा है, हाँ आराम से खाना, मुझे लेगा यूवी चम्मच ले। यहाँ पे चाय भी बनाई है। इस समय किचन में आ गई हूँ, आचन में बर्तनों का ढेर वो भी धोती हूँ और खाने पीने का भी करती हूँ। शाम का हो गया 6:15, खाना पीना बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। रोटी तो बाद में बनाऊंगी गर्म गर्म, सब्जी वब्जी की तैयारी आटा आटा गूंदने ही कर लेती हूँ। तो इसमें हो गई रात और ना खाना वगैरह मैंने बना दिया है और अरबी की सब्जी बनाई है और रोटी बना दी है। तो अब हम खाना खा लेते। तो हमारा खाना वगैरह हो गया और ना मैंने बर्तन वगैरह भी सब धो दिए हैं, किचन वगैरह सब साफ कर दिया। तो अब ना हम सोने की तैयारी करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, बाय।